हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर अंजलि वर्मा, जो कि मुक्तांजलि के पाठ दो बफादार नेवरा से एक कहानी पढ़ी थी हमने, जिस कहानी में नेवरे की कहानी है। वो किसान की पत्नी बिना सोचे समझे नेवरे को मार दी थी, इसलिए उसे बाद में पछतावा भी होता है। ये तो कहानी हमने पढ़ा, लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम करने से वो हमेशा गलत ही होता है। तो बिना सोच विचार किए हुए हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब उसी के अभ्यास में चलते हैं। पहला है पाठ को जाने। पाठ को जानना है कि पाठ के बारे में हमें क्या जानकारी मिली, इस पाठ के बारे में जानेंगे, जो कि क में है मौखिक विश्लेषण कीजिए। पहला है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए, मौखिक में यानी मुंह से बोलकर। तो मौखिक विश्लेषण करना है इसमें और शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है, क्या अभ्यास करना है। तो पहला है नौ पर एक ही मात्रा, व नौ में आखिरी मात्रा। तो ये शब्द क्या हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे, नेवला। और दूसरा है ख त र, नौ में आ की मात्रा और क, तो क्या हो जाता है, ये कौन सा शब्द बनता है, खतरनाक। अब तीसरे नंबर पे है क में ओ की मात्रा और यह हो गया आपके सी यानी छोटी की मात्रा, और फिर स्ट, तो तलाविश या दोनों में है, तो ये क्या हो गया, कोशिश। अब यहाँ अगला है च में छोटी की मात्रा, उस पर बिंदु है तो चिन्ह क्या बना, चिन्ह। तो में आ की मात्रा तो चिंता, ये हो गया चिंता। अब यहाँ अगले में चलते हैं द में उ की मात्रा, इसमें भी छोटी उ की मात्रा है, दू, द में उ की मात्रा हो तो दू, आधा स, मूर्धनि ष, दू और स और त, तो ये क्या हो गया शब्द, दुष्ट। अब है अ, फ, स में उ की मात्रा और श, ये क्या बन गया शब्द, अफसोस। ये तो आपके शुद्ध उच्चारण हो गया। अब नंबर दो में है किसान की पत्नी क्यों नहीं चाहती थी कि उसका बेटा नेवरे के साथ खेले। ऐसे तो ये है कि मौखिक विश्लेषण करना है, पर हमने आपको शॉर्ट में ही इसके आंसर लिखवाए हैं, जो कि आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, किसान की पत्नी क्यों नहीं चाहती थी कि उसका बेटा नेवले के साथ खेले। आपने कहानी में पढ़े पढ़ा था कि वो क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसे नेवले से डर लगता था कि वो कहीं मेरे बेटे को काट ना ले। इसीलिए इसका उत्तर तो होगा लंबा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको शॉर्ट में, उसे नेवले से डर लगता था। किसको, किसान की पत्नी को। अब यहाँ तीसरे नंबर में है नेवले के मुंह पर थूम लगा देखकर किसान की पत्नी ने क्या सोचा। तो नेवले के मुंह पर जब किसान की पत्नी ने खून लगा देखा तो क्या सोचा, कि कहीं उसने मेरे बच्चे को काट खाया हो। तो इसका उत्तर हो गया, नेवले ने उसके बेटे को मार डाला है, उसे ऐसा ही ना लगा कि कहीं नेवले के बच्चे ने मेरे बेटे को मार डाला है, काट लिया है। और चौथा है अंत में किसान की पत्नी क्यों पछता रही थी, क्योंकि इसका उत्तर होगा कि बिना सच जाने बिना सोचे समझे किसान की पत्नी ने उसे मार डाला था, इसलिए उसे पछतावा हो रहा था। अब आगे देखेंगे, हम लोग बनाएंगे ख का। अब प्रश्न ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न के उत्तर लिखना है, पहला है किसान अपने घर किसे लाया था। तो किसान अपने घर किसे लाया था, किसान उत्तर हो गया इसका, किसान अपने घर नेवले के बच्चे को लाया था। अब दूसरा प्रश्न है नेवले के मुंह पर किसका खून लगा था। तो दो का उत्तर हुआ, नेवले के मुंह पर सांप का खून लगा था। तीसरा, नेवले ने किसकी जान बचाई थी। उत्तर, नेवले ने
किसान के बेटे की जान बचाई थी। चौथा, किसान की पत्नी ने किसे मार डाला था? उत्तर होगा, किसान की पत्नी ने नेवले को मार डाला था। अब अभ्यास में आगे चलेंगे अगले वीडियो में। अब तक इतना ही, धन्यवाद।